होमस्कूलिंग, अनदर इंटरेस्टिंग फिलॉसफी इन एजुकेशन इज होमस्कूलिंग। हम ऐसा भी सुनते आए हैं कि कुछ बच्चे स्कूल नहीं जाते बल्कि घर ही पे रहते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंगली घर पे रहने का मतलब दुनिया में सब तरफ ये नहीं है कि वो नहीं पढ़ते या नहीं लिखते, बल्कि होमस्कूलिंग का फिनोमेना बहुत तेज़ी से मकबूल हुआ अमेरिका के अंदर। ओल्डेस्ट एजुकेशन सिस्टम, होमस्कूलिंग इज़ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट एंशिएंट एजुकेशनल फिलॉसफी। अब इसकी रीसेंट डेवलपमेंट से हट के अगर देखा जाए तो ये सबसे एंशिएंट और सबसे पुराना तरीकाकार है बच्चों को पढ़ाने और सिखाने का। रीसेंट डेवलपमेंट्स तो पिछले कुछ दहाइयों में हमें नज़र आती हैं, लेकिन होम स्कूलिंग का फेनोमेना बहुत एंशिएंट है। In times before formal schooling started, some children were sent away to study with great philosophers and thinkers. However, most children learned life skills from their parents while staying at home. अब अगर हम पुराने अद्वार में चले जाएं और कदीम ज़माने में देखें तो हमें ये नज़र आता है कि दो तरह की डिवाइड हमें नज़र आती है, जिसमें कि कुछ स्टूडेंट्स जो कि स्टूडेंट्स बनते थे वो मशहूर फ़लसफ़ियों के पास, मशहूर लोगों के पास, दानिश्वरों के पास, या ऐसे लोगों के पास जो कि सफ़रनामे लिखते थे या ट्रैवल करते थे, उन तक ट्रैवल करके जाया करते थे और उनके साथ पढ़ा करते थे या उनकी सोहबत में रह के कुछ सीखा करते थे। और अगर हम पर्शिया का ज़िक्र करें तो वहाँ नस्तालीक कहा जाता था इस तरह के लोगों को, जिनके पास लोग आते थे और पढ़ते थे। लेकिन एक बात काबिले गौर है कि उस वक्त भी जो लोग यूँ ट्रैवल किया करते थे वो प्रिविलेज थे, एडवांटेज थे, जो कि सफ़र तय कर सकते थे और फिर उसके बाद उनका एक ख़ास स्टेटस था जिसमें मोस्टली शहजादे, शहजादियाँ और उमरा के बच्चे शामिल थे, जबकि बहुत से ऐसे बच्चे थे जो कि घरों पर ही रहा करते थे और वहीं तालीम हासिल किया करते थे। अब उन तालीम में, उन चीज़ों में ऐसे अलूम भी थे जिन्हें प्रैक्टिकली इस्तेमाल किया जाता था, जिस तरह के जंग के अलूम हैं, जिस तरह के फाइटिंग के आर्ट हैं, जिस तरह के राइटिंग है, जिस तरह के कदीम जो हिस्ट्री है उसके ऊपर अबूर हासिल किया जाता था। लेकिन बहुत से बच्चे घरों पर रह के पेरेंट्स से ही तालीम हासिल किया करते थे। And then parents from centuries ago taught their children to cipher, build and create the tools necessary for day-to-day living. और यहाँ अगर हम ये देखें तो ये कहना नामुनासिब ना होगा कि पेरेंट्स जो अपनी स्किल्स थीं वो भी ट्रांसफ़र किया करते थे बच्चों को, और उसमें वो चीज़ें थीं जिनके ज़रिए रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, एक कॉमन लाइफ है, उसको गुजारने में एक आसानी और सहल की कंडीशन जो है वो बंदे पे आ जाती थी। और फिर उसके साथ साथ ये भी होता था कि वो उन स्किल्स को इस्तेमाल करके रोज़गार भी कमा सकते थे, जिस तरह बढ़ई का काम है, जिस तरह मोची का काम है, जिस तरह लॉन्ड्री का काम है, ये सब काम सीखा करते थे, ज़िंदगी सहल होती थी और फिर किसी एक में स्पेशलाइज करके उसे यकीनन अपना ज़रिया आमदन भी बना लेते थे। और एजुकेशन का मतलब यकीनन बहुत फ़र्क था ज़माने कदीम में आज के दौर में, जो सॉफ्ट स्किल्स हैं जिनमें मार्केटिंग, लीडरशिप, फाइनेंस एक्सेट्रा है, इनको हासिल नहीं किया जाता था, जबकि हार्ड स्किल्स जिनमें क्राफ्ट्स हैं, पॉटरी है, कारपेंट्री है, वर दो एसेंशियल टू लिव अ सक्सेसफुल लाइफ। अब ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करती थी और ये शायद उस दौर की बात है जब बार्टर ट्रेड भी हुआ जाता था कि एक जिन्स के बदले दूसरी जिन्स आप हासिल कर लेते थे। अगर एक शख्स का एक बाग है तो वो कुछ सेब देके दूसरे शख्स से कुछ ईंटें ले लेता था। तो इस किस्म की जो कंडीशंस थीं, ये इन कंडीशंस के अंदर इस तरह के अलूम का सीखना और इस तरह की स्किल्स का सीखना जो है वो माने रखता था। जबकि प्रेजेंट टाइम्स में जब कैपिटलिज्म का दौर है, जबकि सरमायादाराना निज़ाम है, तो उसके अंदर वैल्यू फॉर मनी है और फिर इसकी जेनरेशन के साथ हमें वो स्किल्स सीखनी पड़ रही हैं जो कि मार्केट फिनोमेना से ओरिएंटेड हैं। और फिर स्पेशलाइज्ड टास्क जिनमें हंटिंग, सुइंग, टेलरिंग एक्सेट्रा वर लर्न्ड आइदर फ्रॉम पेरेंट्स और फ्रॉम एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स एंड नेबर्स। और फिर जिसमें शिकार करना है या चीज़ों का सीना है या कुछ और काम है या घर का बनाना है या कुछ ऐसा काम है जिसमें कुछ मजदूरी शामिल है, तो ये वो चीज़ें थी जो सीखी जाती थी अपने माँ बाप से या अपने रिश्तेदारों से या फिर अपने हमसायों से।